अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास पीरियड 3। आज मैथ के लेसन में हम पेज नंबर 40 और 41 करेंगे। तो पेज नंबर 40 में बहुत इजी आपने काउंटिंग लिखनी है इस पूरे पेज में। तो यहाँ से आपने शुरू करना है 1 के बाद 2, 3, 4, 5 और इस तरह से आपने 100 तक काउंटिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। और 41 पेज पे आपका कॉन्सेप्ट आ गया है ऑड एंड इवन नंबर्स। आपको पता है मैथ्स में कुछ नंबर इवन होते हैं और कुछ ऑड होते हैं। जो ऑड नंबर हैं पहले हम देखते हैं कि वो कौन से हैं। 1 जो है वो ऑड नंबर है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को काउंट करें 1, 3, 5, 7 और 9 आ जाए तो ये ऑड नंबर कहलाते हैं, ठीक है। ये कभी भी 2 के साथ डिवाइड नहीं होते। और जो इवन नंबर हैं वो इनके दरमियान वाले हैं, जैसे 2 है, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। ये जो हैं ये इवन नंबर कहलाते हैं और ये आप 2 के टेबल में भी आते हैं। ये भी इससे भी आप पहचान सकते हैं कि इवन नंबर जो है ये 2 के टेबल में आते हैं और नंबर्स 2 के टेबल में नहीं आते। उन्होंने देखिए आपको पिक से भी समझाया है, 1, 2, 3, अगर 3 चिक्स हैं तो ये एक ऑड नंबर है, 1 बॉल ये एक ऑड नंबर है। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 ये भी एक ऑड नंबर है। और इवन नंबर्स हमेशा जो है वो 2, 4, 6, 8 और 0 होते हैं। तो ये 10 के हिसाब से जैसे देखें 1, 2, 3, 4, 4 बटन्स तो ये एक इवन नंबर है, 1, 2 इवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया तो ये इवन नंबर है। तो आपने बच्चों से लर्न करवाना है, बच्चों से याद करवाना है कि ऑड नंबर कौन से हैं। इन सब में इन सब को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है कि ये ऑड नंबर है और ये वाले सारे जो हैं ये इवन नंबर्स हैं। और बच्चों से आपने प्रैक्टिस करवानी है स्पेलिंग जो है वो लर्न दोबारा से सुनने हैं फ्रॉम 6 to 10 और टेबल ऑफ 3 रिवाइज करना है और बुक वर्क में पेजेस 40 और 41 करने हैं, ठीक है। तो बस एक दो दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको टेस्ट जो है मैथ्स का उसका भी सिलेबस सेंड कर देती हूँ।